करने वाली है हमारे करतूतों का सबूत मिटाने वाली हूं। अम्मा, अगर हमें राधा को हराना है ना तो उसे एक कदम आगे ही चलना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस सब के बाद राधा चुप रहने वाली है। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि वो अब भाग भाग के सबको सारा सच बता देगी और सबको यहाँ बुला लेगी उन्हें सबूत दिखाने के लिए। लेकिन उससे पहले इस कैंडल को हटा के मैं यह फ्रेश कैंडल वहां रख दूंगी और जब तक वो लोग आएंगे सबूत गायब, समझी? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास सबूत है। तुमने तो ये भी कहा था कि कैंडल में ब्लास्ट हो गया था, लेकिन कैंडल तो बिल्कुल सही है। मोहन जी, हमारा विश्वास करिए, दोनों ने गुनगुन को जलाने की कोशिश की थी, हमारे गुनगुन को जलाने की। मोहन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सबूत नहीं है तो क्या सच छुपा लेंगे आप? चुप हो जाओ तुम दोनों। हम इस घर में सबसे बड़े। इस बार तो हमने ऐसा खेल खेला है कि एक तरफ तुलसी खतरे में, दूसरी तरफ गुनगुन खतरे में है और तीसरी तरफ तुम और मोहन। हेलो, मैं आपको गुनगुन का फोटो भेज रहा हूँ, प्लीज प्लीज उसे ढूंढने की कोशिश करना। हाँ आंटी, सारे बच्चे जा चुके हैं। आंटी, वो मुझे पूछना था कि त्रिशा गुनगुन की बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो पार्टी में भी नहीं आई, तो क्या गुनगुन आपके यहाँ आई है? नहीं आई। अच्छा ठीक है, थैंक यू आंटी। हाँ शर्मा जी, अच्छा आपके घर भी नहीं आई? ओके। अजी, वो सीसीटीवी फुटेज ले आया? हाँ अभी लेकर आते हैं। हे प्रभु, बिटिया हम तो सीसीटीवी बंद करना भूल गए हैं, अब क्या करें? टेंशन मत लो ना मम्मा, अगर इन्होंने अब्दू को देख भी लिया तो जब तक ये लोग उसके पास पहुंचेंगे तब तक अब्दू ने गुनगुन को खत्म कर ही दिया होगा। गुरु माँ का कॉल। मैं भी आई। ये दामिनी चीची कहाँ जा रही है और इन्हें किसका फोन आया?
गुनगुन, आपने तुम्हें बहुत तेज बना दिया। गुरुमा, दामिनी चिची के दफ्तर वाले कमरे में आपकी मौत से जुड़ा कोई राज है? हाँ। और उनकी मदद कर रही है गुरुमा। कहीं वही गुरुमा तो नहीं जिनके बारे में तुलसी जी हमें बता रही थी? जी, घर के बाहर के कैमरे का फुटेज दिखा। हाँ मोहन भैया। यार आगे का फुटेज ही नहीं रिकॉर्ड हुआ है। किसी ने गुनगुन को किडनैप कर लिया। उस छोटों को मोहन ने देख लिया है। अब अगर उसे ढूंढ भी लिया तो छोड़ेगा नहीं। ये पत्ती, ये तो तुम्हारे ड्रेस का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो तुम्हें चोट लगी थी ना, तो इसलिए मैंने पट्टी बांध दी। ठीक हो जाओगे तो फिर बैड चीजें मत करना। तुमने मेरे हेल्प की, बाद मैंने तुमको हर्ट किया ब्रो। मैं आउट था, तुम भाग सकती थी। राधा कहती है कि किसी के बुरे होने पर हमें बुरा नहीं बनना चाहिए। उसी ने मुझे ये सिखाया था, अगर कोई परेशानी में हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो मुसीबत में पड़े सब अपने दोस्तों की मदद नहीं करते, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मदद करते हैं, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। राधा तुम्हारे दीदी? नहीं, वो मेरी मम्मा है। मम्मा? सैड क्यों हो गए? तुम्हारी फैमिली सो नाइस ब्रो, कितने नाइस चीजें करती है। तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें सिखाते होंगी ना? नो मामा, नो फैमिली, नो वन। जब मैं स्मॉल था वो दूर चलेगी। सैड मत हो ब्रो, फर्स्ट टू टेल मी।
किसके कहने पर तुमने गुनगुन को किडनैप किया था? I'm sorry, bro. अरे no, bro. Don't be sorry. In fact, thank you, bro. अमित, तुम्हें thank you बोलना चाहिए कि तुमने गुनगुन का ख्याल रखा, उसके लिए thank you. तुमने गुनगुन को हार्म नहीं पहुंचाया, उसके लिए thank you. हमें गुनगुन के साथ रहना चाहिए था, लेकिन तुमने गुनगुन का साथ दिया, उसके लिए थैंक यू. गुनगुन वेरी नाइस ब्रो, कोई हम नहीं कर सकता. एक मिनट अब्दू, तो भैया आपने कहा था कि आपका इस फील्ड में कोई नहीं है. आज से मैं आपकी सिस्टर. उल्टी आ जाएगी मुझे इतना प्यार देख के. अब्दू अपना हाथ आगे करो. तुम मेरे अब्दू भैया हो. वाओ, मैं तो सच में ब्रो बन गया. और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट फ्रॉम छुटा भाईजान. थैंक यू. पता नहीं कौन सी किस्मत लेके आई है गुनगुन, मेरी हर बाजी उल्टी पड़ जाती है. क्यों यार, थैंक यू गुनगुन की मां बनने के लिए. कि अगर तुम गुनगुन की मां नहीं बनती ना, तो मैं उसका पिता नहीं बन पाता. नहीं मोहन जी, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ. हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है मोहन जी. तो शांत हो जाइए. हम तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने कितना बड़ा काम किया है.
हो गया मोहन का राधा पुराण शुरू। छोड़ उसे, उसे तो बस मौका चाहिए राधा को भगवान बनाने का। पता नहीं उस ड्राई फ्रूट टूडल ने हमारे मोहन पर क्यों जादू किया है। हमें तो लगता है बिटिया कि धीरे धीरे ये राधा नामक भजन की किताबें छापना शुरू कर देगा। ये तुम लोग क्या बात कर रही है? गुनगुन के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसके पीछे इन दोनों का ही हाथ है। लेकिन बिटिया, मानने वाली बात यह है कि वो चुईया अब वापस आ गई है। उसका मतलब कि वो भूतनी 12 बजे तक आजाद हो जाएगी। और जैसे गुरु माँ ने कहा था, धीरे धीरे वो भूतनी की शक्तियां भी वापस आ जाएगी। हमें तो यही सोच के डर लग रहा है कि अगर वो भूतनी की शक्तियां वापस आ जाएगी तो हमारा क्या हाल होगा। जब हम बनारस गए थे तो गार्गी शर्मा, गार्गी शर्मा, अब आपका सच ना ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। क्या रिश्ता आपका राधा से? पता है क्या लगती है राधा आपकी? पैदा किया है मैंने उसे। हां मैंने तुम्हें पैदा किया है, पर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जीवन का वो सच जिसे आप तो क्या, हम खुद भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपका काला अतीत है। निश्चित ही आपके जीवन में कोई ऐसा आएगा जो आपको आपकी सारी गलतियों का एहसास कराएगा कि एक बेटी के दिल से निकली हुई हाय। मुझे सच में तुम्हें गिफ्ट देना है। वैसे गुनगुन को राधा को एक गिफ्ट दे ही देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, राधा को गिफ्ट मिलना तो बनता है। हाँ हाँ, मुझे भी देखना है कि गुनगुन राधा को क्या गिफ्ट देती है। अरे क्या बोल रहे हैं आप सब, हमें कुछ नहीं चाहिए। ओए राधा, मान लो ना गुनगुन की बात, रख लो उसका दिल। क्या ही दे देगी, चॉकलेट देगी, ग्रीटिंग कार्ड देगी, उसे भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी। खा लेना, मोटी बन जाना तुम। हेलो, मैं तुम्हारी तरह ना कंजूस नहीं हूँ। मैं तो अपनी राधा को वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव और बेस्ट गिफ्ट दूंगी। गुनगुन, पर बाकी भी हर्ज ने तो हमें आपके रूप में पहले ही दे दिया है, हमें सच में और कुछ नहीं चाहिए।
माँ 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 जी ना, मेरी फैमिली कंप्लीट। रात के अंधेरे में चोरों की तरह घर के पीछे के दरवाजे से छुप के निकल जाओगी तो कल सुबह मैं सबको क्या जवाब दूंगी? जब जान के लाले पड़े हो ना, तब इज्जत की पोटली बनाकर नाले में बहा देनी चाहिए। आई बात समझ में? बोल देना सबको कि तुम्हारी माँ सन्यासी बन गई और हरिद्वार चली गई। जाने दे हमें। नहीं मामा, आप मत जाओ ना, सालों के किए कराए पर पानी फिर जाएगा। देख बिटिया, तेरे दिमाग में है ना गोबर भरा हुआ है इस वक्त। तेरा वो पीती सा प्यार पागलपन का पहाड़ बन चुका है। अब हम बलि का बकरा नहीं बनना चाहते। हाँ, आई बात समझ में? देख देख हम क्या कह रहे बिटिया, तू भी हमारे साथ चल। हाँ, माँ बेटी दोनों मिलकर सन्यासी बन जाते हैं। आजा आजा, चल चलते हैं। नहीं मम्मा, ना मैं जाऊंगी ना मैं आपको जाने दूंगी। कहीं नहीं जाओगी आप, पहाड़ में जा तू। लेकिन हमें रोकने की कोशिश मत कर। जा रहे हैं। ऐसे चोरों के भांति छुप छुपाकर कहाँ जा रही हैं? तुमसे मतलब? घर की चौकीदारनी है क्या? मम्मा, कहीं नहीं जा सकती आप। देख चुड़ैल, इस वक्त हमारा दिमाग बहुत खराब है। हम अपनी बिटिया की भी बात नहीं सुन रहे हैं तो तू किस खेत की मूली है? हम कहते हैं जाने दे हमें, वरना जान से मार देंगे। वैसे ही ना, जैसे तुलसी जीजी को मारा था आपने। कोई है?
ये देख रहा था तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, हम हमें फालतू की बातों में उलझा कर मत रख रहा था। इसे नहीं मानेगी ना? मोहन जी, ये कहां कुछ बोलेंगे, घोड़े ने पूरा का पूरा अस्तबल बेचकर सो रहे, हमारी शायद मान बच रहे। थोड़ी अपने प्यार का इजहार करूंगा राधा, ये दुनिया देखती रह जाएगी जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा, बस थोड़ी देर और। इतने दिनों बाद कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? खुश रहो। बिल्कुल ठीक। माँ आप हैप्पी बर्थडे बेटा, बर्थडे विश करने में मैं एक दिन लेट हो गई। हैप्पी बर्थडे। ये है तेरा प्लान? ये गुनगुन की नानी, ये तो पहले से राधा की पार्टी में है और राधा को अपनी बेटी मान चुकी है। ये तो ना चोटी लाएगी और ना ही उसकी जान। ये नहीं मम्मा, तुलसी लाएगी। ऐसे आप बस देखते जाओ। नमस्ते। लगता है आप अभी मुझे नाराज हैं। मुझे लगा था हमारी हेयर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। इतने सारे गिफ्ट?
मेरे लिए? हाँ बेटा। पर इन भाई साहब को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इनकी मदद कर देते हैं। बहुत भारी है। वंस मामा, हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मोहन, मोहन जी, ये माँ जी के साथ गुनगुन को बधाई देने आए हैं। मोहन जी हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना? आज के लिए सह लीजिए। आइए मुझे। आइए, आइए मैं। आइए साली साहब। यहाँ बाथरूम कहाँ पर है? मतलब बहाना। दुलारी, क्या है ना कि मेरी तो उम्र हो गई है ना, पर माँ जी के जो बेटे हैं, वो तो अभी बच्चे हैं ना, और बच्चे कभी भी पैन में कर सकते हैं। नहीं मोहन, गलत बोला मैंने। दुलारी ले जाओ इन्हें। तुलसी दीदी, आप यहां हैं? तुलसी दीदी भैया, भैया मुझे बुला रहे? आप कहां हैं तुलसी दीदी? भैया आपको पता है मैं यहां हूं? पता नहीं, मैं जब भी यहां आता हूं तो मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप यही हैं। इसी घर में हम सबके बीच। यहां की हर चीज मुझे आपकी याद दिलाती है तुलसी दीदी। इसके अंदर क्या है? इसमें है चिट्ठियाँ जो तुलसी मामा ने तुम्हारे लिए लिखी थी। कल जब मैं सफाई कर रही थी ना, तो मुझे ये बॉक्स मिला। इस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था और लिखा था कि जब तुम 8 साल की हो जाओगी तो तुम्हें मैं ये दे दूं। पर तुलसी ने चिट्ठियां क्यों लिखी? क्योंकि उसने गुनगुन को छोड़कर जाने का प्लान पहले ही बना लिया था। मोहन जी,
वो तुलसी ना डायरी लिखा करती थी, तो साथ ही साथ उसने ये लेटर्स भी लिखे होंगे जिसमें गुनगुन के बचपन की हर छोटी बड़ी बात है, ताकि जब गुनगुन बड़ी हो जाए तो इसे पढ़ सके। मोहन जी, संभालिए अपने आप को। मेरी मम्मा का लेटर। रामा, मम्मा ने लेटर्स मेरे लिए भेजे हैं। जी, आपके लिए। अच्छा कादम्बरी बहन, अब हम चलते हैं। माँ जी, इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाइए ना। हाँ बहन जी, खाना खाकर जाइएगा। नहीं बहन जी, जो काम करने आए थे वो हो गया, अब हम चलते हैं। अगली बार आएंगे। अच्छा। जी चलिए चलिए चलिए। तो क्या आप 6 महीने बाद वो तुम्हें डिवोर्स देगा? क्या उसकी तरफ से रिश्ता आगे बढ़ने का कोई इशारा मिला तुम्हें? नहीं ना। माँ जी, उन्हें ये सब ना ही करने की जरूरत और ना ही कहने की जरूरत है। राधा, मुझे लगता है कि तुम्हें मोहन से सवाल कर लेना चाहिए। राधा, तुम्हें भी तो पता चले कि तुम इस रिश्ते में क्या दे रही हो और बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है। खैर बेटा, हमारा काम था तुम्हें समझाना। हम अपनी बेटी को तो खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते। हम बनारस आएंगे और हम आपके साथ रहेंगे, कसम से। चल झूठा, तू झूठा, तेरी हर कसम झूठी। इतने सालों में माँ का ख्याल तो आया नहीं तुझे? अरे मरने से पहले एक बार अपने बेटे के साथ रहने का सुख तो दे जा, नहीं तो हमारी आत्मा ना भटकती रह जाएगी यही बनारस के घाटों पे। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम आएंगे ना। हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा माँ, बताइए। लेकिन हाँ, हम आएंगे तभी जब हमारा अपना घर होगा। अरे माँ, हम मंदिरा मामी की छत्र छाया में रहना नहीं चाहते हैं। अजीत। माँ, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हेलो अजीत, केतकी केकड़ी। अजीत, आई एम रेडी। तुम तैयार हो गए? हमें सुमन की पार्टी के लिए निकलना है। माँ, गाड़ी निकाल लिया, चलें। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रख। राधा, माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें अब ये सवाल मोहन से कर लेना चाहिए। तुम्हें भी तो अपने रिश्ते की सच्चाई पता करने का पूरा हक है।
मोहन ने, क्या उसने तुम्हें स्वीकार किया? जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उसने तुम्हें अपनाया नहीं था, तो क्या आप 6 महीने वो राधा नाराज होकर चली गई? तुम्हें नहीं लगता मोहन राधा को नाराज होने का पूरा हक है? मोहन, नर्मदा बहन जी ने जो भी सवाल पूछे हम मानते हैं, तरीका गलत था, सवाल गलत नहीं थे। समय आ गया है उन सारे सवालों के जवाब देने का। समय आ गया है दामिनी और राधा के बीच किसी एक को चुनने का। एक तरफ राधा है जो इस परिवार और इस घर को संभालने में इतनी बिजी हो गई, सारी शर्तें भूल गई। समय आ गया है राधा को ये बताने का तुम्हारी जिंदगी में उसकी क्या जगह है। मां, पर मैं तो तुम्हें ये जवाब हमें नहीं राधा को देने हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। बाहर जो उन्होंने कहा वो रामा, चलो ना मेरी मम्मा के लेटर्स पढ़ते हैं। मैनर्स भूल गई हो तुम? किसी कमरे में ऐसे आते हैं क्या? बात कर रहे थे ना हम दोनों, और ये क्या लेटर का नया ड्रामा क्या है ये? गुनगुन देख क्या रही हो तुम? मां नहीं हो तुम मेरी, मैं तुम्हारा पापा हूं, ठीक है? और ये लेटर के चक्कर में मत पड़ना, तुम्हारी नानी और तुम्हारे मामू का कोई नया ड्रामा होगा, ये कोई नया नाटक होगा, देखना तुम। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो, मेरी मम्मा मुझसे बहुत लव करती थी, इसलिए वो मेरे लिए लेटर्स छोड़कर गई हैं। तुम्हारी मम्मा तुम्हें लव करती थी ना, तो तुम्हें ऐसा बस कीजिए मोहन जी। आइए गुनगुन, बैठिए, ये लीजिए। आपको ये चिट्ठियां पढ़नी है ना? हम जरूर पढ़ेंगे, पर अभी हमें दफ्तर के लिए और आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, हम शाम को आकर पढ़ देंगे। यू आर द बेस्ट रामा। और गुनगुन, अपने पापा की बातों का ना बुरा मत मानिएगा, वो क्या है ना, इनके पेट के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए सब कुछ बाहर भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ऑफिस से पहले डॉक्टर अंकल को दिखा देना, वरना ऑफिस में भी गड़बड़ करते रहोगे। क्या देख रही हो? तुम्हें अच्छे से प्यार देकर गई, और मुझे? वाह शेखर वाह, क्या एंट्री मारी है तुमने। तुझे तो ना ऑस्कर मिलना चाहिए एंट्री मारने के। 5 सेकंड लेट नहीं आ सकता था क्या? वैसे था का तू, हाँ इतने टाइम से गायब था।
और जब गायब होना चाहिए था तब सामने आ गया तू। मुझे तो आना ही था, जो पेपर तूने मांगे वो लेकर आया हूँ। पेपर? मुझे तो लगा तुम दोनों के बीच सब ठीक है, पर अरे क्या शेखर भैया, और ये कागज किस चीज के हैं? छह महीने पूरे हो गए, ये रहे तुम्हारे डिवोर्स पेपर। चला रहे हो, खुद चाहिए क्या तुम्हें? हाँ चाहिए, जो तुम्हारे होते हुए मुझे मिलेगी नहीं। चैन सुकून जो तुमने बर्बाद कर रखा है नेहा, मैंने क्या किया है? क्या किया तुमने? तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया। ये किया है तुमने, ये किसके कहने पर तुमने डिवोर्स पेपर्स मंगवाए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? नहीं मोहन, मुझे नहीं मालूम कि। अरे क्या नहीं मालूम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है शेखर को मैसेज भेजने की? झूठ मत बोलो तुम तामनी, मेरे अलावा था सिर्फ दो ही लोगों के पास मेरे फोन का पासवर्ड है, राधा और तुम। अच्छा याद नहीं है तुम्हें, वो इनकम टैक्स के ओटीपी के लिए मैंने तुम्हें अपना फोन का पासवर्ड दिया था ना? राधा तो एक काम करने से रही, तो तुम ही बची हो ना? तुमने किया है कि नहीं किया ये? हाँ मोहन, मैंने तुम्हारा फोन लिया था, लेकिन काम के लिए, जैसे काम खत्म हो गया मैंने तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कर दिया था। क्या? ये बहन जी का सही है, जब मन करे तब ऑफिस आओ और जब मन करे तब जाओ, और ऊपर से ऑफिस में कुछ खास काम भी नहीं करती है। इसे तो सब अलाउड है, कितनी स्मार्ट है ये। मोहन सर के इतनी जल्दी क्लोज भी आ गई और उन्हें पता भी लिया। एक तो क्या है ना कि इंटर्न है और गवार भी, तो उसे पता था कि यहाँ टिक नहीं सकते, इसलिए तो टिकने के लिए सही दाव खेल गई। क्या चल रहा है यार? कुछ नहीं सर, हम लोग तो बस वो न्यू प्रोजेक्ट
या न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। That's good. क्योंकि सैलरी तो प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मिलती है ना, गॉसिप करने के लिए नहीं। Anyways, get back to work. गुनगुन बस हो गया आप खेलना, चलो चलकर हाथ मुंह धो लो और फिर उसके बाद खाना भी खाना है और होमवर्क भी तो करना है ना तुम्हें अभी, चलो जल्दी करो। रामा ने कहा था कि शम को साथ में मिलकर पढ़ेंगे, तो नो चीटिंग। अब मैं उसका वेट करती हूँ। सॉरी मम्मा, शाम को पढ़ूंगी। बॉक्स ये तो मैंने माँ के हाथ में देखा था। आखिर है क्या इस बॉक्स में और गुनगुन उसके लिए मुझे क्यों सॉरी कह रही है? रामा ने कहा था कि बाहर से आने के बाद हमेशा बात लेना चाहिए। तो बोलिए सर जी, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? तुम ऐसे की बात कर रही हो? तो और कैसे करें, यही तो एक रिश्ता बाकी है ना हमारे बीच। जो दूसरा रिश्ता था वो तो जल्दी खत्म होने वाला है ना। मत बोलो ना ऐसे, मैं उसी बारे में तो बात। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि राधा मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ, जो रिश्ता हमारे बीच में बना पड़ा था मैं उसे निभा नहीं सकता। तुम गुनगुन की अच्छी माँ तो बन गए पर मेरी अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। परिवार की इतनी सुशील अच्छी बहू बन गए पर मेरी अच्छी जीवन संगी नहीं बन सकती। ये सब तो कहेंगे ना आप मोहन जी? एक मिनट मोहन जी, आप चिंता मत करिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि गलती तो आपकी है ही नहीं ना, गलती तो इस राधा की है। दिमाग तो हमारा ही खराब था जो बचपन से आपको भगवान मानते रहे, आपकी पूजा करते रहे, अपनी हर सांस में आपका नाम जपते रहे और सालों बाद जब हमने आपको कष्ट में देखा अपना घर परिवार बाबा दादी अपना बरसाना छोड़कर आपके चरणों में आगे ताकि आपकी कोई भी खुशी वापस लौटा सके। हमारा ही दिमाग खराब था। ओए राधा, राधा पूछने दो ना। अरे बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये तुम खुद पूछ लो। ज-
देखो राधा, सच तो ये बोझी बस करिया। हमें मनाने की तो बिल्कुल कोशिश मत करिया। जब हम यहाँ आए थे तब हम अपने हृदय में आपके लिए भक्ति भाव लेकर आए थे। हम अपना ईश्वर मानते थे। धीरे धीरे मोहन जी गिर गए ना। आप हम बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए पर सुनते हैं ही नहीं। मतलब खुद तो परेशान होते हैं, साथ में हमें भी परेशान करते हैं। मतलब खुद को चोट लगती है, साथ में हमें भी चोट लगाते हैं। यहाँ से भागते क्यों नहीं है मोहन जी? देखिए आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती है? देखिए महिला शौचालय है, पुरुष वाला बाजू में होगा, वहाँ जाते ना। अरे डांटती रहोगी, उठाओगी भी। डांटते डांटते फ्लो फ्लो में बाकी सारी चीजें निकल गई। आप आइए, उठाओ ना तुम। मोहन जी कौन है? एमडी और राधा। क्या वो कितनी भारी है? जी मैडम, इधर आइए ना। चाबी चाबी दीजिए ना। चाबी भैया दीजिए ना चाबी। ये ली, जल्दी खोल। तुम्हारे अफेयर के बारे में तो सबको पता है। कैसे पता है तुमने मोहन सर को? ये क्या बोल रही हैं आप? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। बताओ ना, ऐसा क्या किया तुमने कि इतना बड़ा आदमी तुम्हारे पीछे लट्टू हो गए? ये साड़ी पहन के भोली वाली आंखें बना के बेवकूफ बनाने का नाटक कर रही है, या फिर ये कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है पीटता है? क्यों, आखिर ऐसी बातों से ही तो पटते है ना आदमी। बताओ ना, तुमने ऐसा क्या कहा कि इतने अमीर आदमी को मसाले? इन जैसी लड़कियों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है सर, अकेले हैं
इसने अटेंशन दिया होगा और सर ने प्रॉमिस कर दिया होगा और सर फंस गए। ये क्या बोल रहे हैं आप सब? हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। यही सच है, साफ साफ दिख रहा है कि तुम सर का इस्तेमाल कर रही हो। और तुम्हारा तो कैरेक्टर ही खराब है। क्या बोला? कैरेक्टर? हाँ, मैंने फैसला किया था कि मैं कभी वापस ऑफिस नहीं आऊंगा, क्योंकि ऑफिस मेरी पुरानी यादों के वो खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं ना, जिससे मुझे घुटन होने लगती है। पर राधा ने मुझे संभाला। मोहन से ये भी याद करिए ना, यही वही जगह है जहाँ आपने तुलसी जी के साथ न जाने कितने अच्छे पल बिताए होंगे। पर आप सिर्फ बुरी यादों को याद कर रहे हैं, अच्छी यादों को तो याद ही नहीं कर रहे हैं आप। राधा ने मुझे सिखाया कि ना अतीत से भागा जा सकता है और ना ही जिंदगी से। राधा ने मेरा फायदा नहीं उठाया, बल्कि इस लड़की ने मुझे ना मुझसे मिलवाया। हे, रोना नहीं। और एक और बात, राधा मेरी पत्नी है। के बाद अगर किसी ने राधा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो ना सिर्फ नौकरी से जाएगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि उसे इस शहर में दोबारा कोई नौकरी नहीं देगा। सॉरी सर, सर गलती हो गई सर। इट्स ओके। प्लीज सर। मोहन जी माफ कर दीजिए, वरना आप में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा? जाने दीजिए। समझ में आई ना बात सबको? बस कीजिए। किसी का सच जाने बगैर उनके बारे में इतनी घटिया बात।
बातें करते हुए आप तुमको शर्म नहीं आती? हम सबको जानना है ना कि आज तक हमने ये बात क्यों छुपाया कि हम मोहन जी की पत्नी है, तो कुछ सुनिए। हमने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस दफ्तर में हमें कोई खास जगह दे, कोई खास फायदा मिले हमें। क्या कोई हमारी जी हजूरी करे? हम अपने दम पर आप सबके बीच में अपनी जगह बनाना चाहते थे, ना कि मालिक की पत्नी के रूप में। पर इतनी सी बात आप सबको कैसे समझ में आएगी? आप सबको तो बस एक एक मौका चाहिए लोगों पर उंगलियां उठाने का। पर एक बात ना आप सब ध्यान से सुन लीजिए, हम अपने पति के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बकवास नहीं सुनेंगे। हमारे पति हमारा अभिमान है, और अब तक तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि हम यहाँ के मालिक की पत्नी है। तो अगर हमने कभी भी किसी को भी उल्टा सीधा कहते हुए सुना, तो उस इंसान को सीधा नौकरी से निकाल देंगे। और अब क्योंकि हम मालिक की पत्नी है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, और हमें इसमें कोई रोक नहीं सकता। देख रहे हो ना मोहन, राधा बाहर क्या कर रही है? 2 मिनट नहीं हुए तुम्हें सबको ये बताते हुए कि वो एमडी की वाइफ है, तुम्हारी वाइफ है, और मौका मिलते ही ऑफिस में रोब जमाना चालू कर दिया उसने। एग्जैक्टली यही तो चाहती थी वो, कि घर पे भी और यहाँ भी मुझे नीचा दिखा सके। खैर, ये तो पराई है, इससे क्या ही शिकायत करूं मैं। लेकिन तुम तो मेरे अपने हो ना। बस बस वही रुक जाइए, हम पर हाथ उठाने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना हम आपका क्या हाल कर सकते हैं वो आप अच्छी तरह जानती हैं। डराने की कोशिश कर रही हूँ मुझे तुम्हें, तो मैं ये ऑफिस है घर नहीं, जो बात करनी है घर पर चलकर करना, या कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। तमाशा ना करो, और तुमने जो मेरी जिंदगी के साथ तमाशा किया उसका क्या मोहन? तुमने इनफ, आखिर उस लेटर में लिखा क्या? आई नो रामा, तुम पापा का वेट कर रही हो, बट कोई बात नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे। मोहन जी के साथ माँ जी हैं तो वो ठीक ही होंगे, पर बस जल्दी घर आ जाए। चलो लेटर्स पढ़ते हैं। मुझे भी पढ़ना है।
अरे वाह, लेटर्स, गुनगुन के लेटर्स हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। हाँ, हमें भी देखना है कि तुलसी भाभी ने क्या लिखा है। ठीक है, अब जब सबको पढ़ना ही है तो शुरू करते हैं। ये, अब तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मम्मा ने लेटर्स में मेरे क्या लिखा है। मेरे लेटर्स गुनगुन के लिए? मैंने तो कभी कोई लेटर्स नहीं लिखे गुनगुन के लिए। राधा मोहन त्रिवेदी मेरी पत्नी। बस तो ये है कि ये है ना तो मैं हूं। बिटिया, दरवाजा खोलो। जिस तरह मैं इस ऑफिस का एमडी हूं ना, उसी तरह ये राधा मेरी जिंदगी की एमडी है। तो आज के बाद अगर किसी ने राधा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो ना सिर्फ नौकरी से जाएगा बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि उसे इस शहर में दोबारा कोई नौकरी नहीं देगा। अरे बिटिया, अपनी मां की बात तो सुन। तुम अभी इस कंपनी की जीएम हो, अभी इस कंपनी की पार्ट ओनर हो, बस मेरी होने वाली भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मोहन तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है ना। मैं उसको कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने सालों के इंतजार के बाद मोहन किसी और का नहीं हो सकता। मोहन सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। दरवाजा खोल दामिनी। बड़ी काकी जी, दामिनी चीची को क्या हुआ? क्या हुआ दामिनी चीची को? अरे आज उसकी हालत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब था। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया हमारी बिटिया को जो दरवाजा बंद करके बैठी है अंदर। दामिनी तुम क्या कर रही हो, प्लीज दरवाजा खोलो। अरे दामिनी क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो ना प्लीज। खोलिए दरवाजा दामिनी जी। हमारा मन बहुत घबरा रहा है दामाजी। इस वक्त हमारी बिटिया पर भूत सवार है। पता नहीं वो क्या कर बैठेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। उसे सही कला की कोई समझ नहीं है, कोई तो बाहर निकालो उसे। हाँ बेचारी भोली भी तो है ना दामिनी। बहुत अगर हमारी बेटिया के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो कुछ कह रही थी दीदी आप। हे प्रभु, आप सब तो ऐसे दीवार बन के खड़े हो गए हमारी बहन के सामने। हम थोड़ी ना कुछ करने वाले हैं हमारी बहन को। आप कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकेंगी। बच्चों
जरा हटना। हमें हमारी दीदी से जरूरी बात करनी है। पर माँ जी, कुछ नहीं होगा आमिरा था, डरो मत। तुम्हारी बड़ी काकी जी मुझे कुछ नहीं करेंगी। चले दीदी, एक तरफ माँ की फिक्र तो दूसरी तरफ राधा मोहन के रिश्ते की टेंशन, और ऊपर से ये लेटर्स, पता नहीं आखिर इनमें क्या लिखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाकी बिहारी जी। मेरी बचपन की दोस्तों, अगर मुझे तुमसे प्यार होता तो मैं तुलसी से शादी नहीं करता ना। प्यार ना कल था, ना आज है, ना कल होगा। पर सच तो यह है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता ना। देखो दामिनी, पिछले एक साल में ना कम से कम 1000 बार मुझे तुम पर शक हुआ था कि राधा या गुनगुन को लेकर या फिर इस घर को लेकर तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तुम पर भरोसा नहीं खोया, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे दोस्त को खोना नहीं चाहता यार। पता नहीं अब मेरा भरोसा खोता जा रहा है। प्लीज बचा लो इस भरोसे को, प्लीज बचा लो हमारी इस दोस्ती को, और ये तब होगा जब तुम इस बात को समझ जाओगी कि हमारी शादी नहीं हो सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। मैंने हमेशा बस तुम्हारा अच्छा चाहा है और बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। सॉरी। जो तुमने आज कहा मोहन, वो पहले क्यों नहीं कहा था? और अपनी बेटी के लिए एक अलग घर ढूंढ ले। क्योंकि हम या हमारा परिवार अब एक छत के नीचे आपके साथ नहीं रह सकते। ये मतलब तू हमें घर से निकाल रही है कद्दू? अरे हम तुम्हारी बड़ी बहन है, क्या क्या बात कर रही है तू? नहीं 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 दीदी, अभी क्या जाने के लिए नहीं कह रहे। 2 दिन का वक्त दे रहे, अपने लिए और अपनी बेटी के लिए एक अलग घर ढूंढ लीजिए
और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। राधे राधे। हम कब से चले जा रहे? क्या हो रहा है? दर्द दिए है इतने, अंबर पे सितारे जितने, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही, आंसुओं के धागे तू पिरोए। दामनी से शादी करूंगा और ना कोई शर्त ना कोई सवाल। तूने छोड़ दिया यूं तन्हा, जैसे वक्त से बिछड़ा लम्हा, चली ना मेरी मर्जी, माही वे माही वे माही वे, मैं हो के रहे बस तेरी, तूने कदर नहीं की मेरी, जग जग के रातों में मेरी तरह आँखों में माही, आंसुओं के धागे तू पिरो। राधा से मेरी शादी गुनगुन की कस्टडी के लिए हुई थी ना, तो एक बार गुनगुन की कस्टडी मिल जाए ना और तब मैं तामनी से शादी कर लूंगा, तामनी से शादी कर लूंगा। मेरी तरह तू भी एक दिन किसी को खो।